जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे और बोल में आज इन दो विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तस्वीर नंबर एक, कन्या पूजन। आज नवमी की धूम है, मगर सवाल यह कि क्या वाकई हम अपनी कन्याओं को पूजते हैं, हम अपनी महिलाओं का सम्मान करते हैं। और मुद्दा नंबर दो, आरे कॉलोनी के पेड़ काट दिए गए हैं। सत्य पराजित भी है, सत्य परेशान भी है और कटा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ है। शुरुआत हम करना चाहेंगे नवमी से। दोस्तों, इस वक्त देश भर में नवमी की धूम है, एक अद्भुत समा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे मंत्रोच्चारण सुनाई दे रहा है जो मेरे ही कॉलोनी में चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। और चूंकि आज नवमी है तो छोटी छोटी लड़कियों को आप देख रहे होंगे, घरों में बुलाया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है, उन्हें पूड़ी छोले खिलाए जाते हैं, चने खिलाए जाते हैं। और ये तीन तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, गोरखनाथ मंदिर की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं, दो तीन बहुत प्यारी प्यारी कन्याओं को सम्मान दे रहे हैं, उन्हें प्यार दे रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और यकीन है, यकीन मानिए दोस्तों, मैं एक पत्रकार हूं मगर एक प्रैक्टिसिंग हिंदू भी हूं, जिसका धर्म में विश्वास है, जो एक शिव भक्त है। और ये बहुत ही सुंदर खूबसूरत तस्वीर है। और योगी आदित्यनाथ के मन में भाव को लेकर मेरे जहन में इतना सा भी कोई शक नहीं, सवाल वो नहीं है दोस्तों। सवाल अब इन दो तस्वीरों का है। इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिए, एक तरफ हैं कुलदीप सिंह सेंगर और दूसरी तरफ चिन्मयानंद। दोनों शामिल हैं गैंग रेप में, एक शाहजहांपुर में और दूसरा, जैसे कि आप जानते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर का मामला है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि शाहजहांपुर में जब मामला सामने उभर कर आता है तो वो लड़की भी इस वक्त जेल में है क्योंकि उस पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कुलदीप सिंह सेंगर गैंगरेप मामले की, तो उस मामले में उस लड़की का परिवार पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उनके पिता पहले ही पुलिस कस्टडी में मारे जा चुके थे, फिर एक एक्सीडेंट या ये मैं कहूं हत्या में उनके परिवार की कुछ और महिलाएं और उनका वकील मारा गया, और उस एक्सीडेंट में भी आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर है। आपने देखा होगा कि शाहजहांपुर रेप केस में, जिसमें चिन्मयानंद शामिल है, पुलिस का रवैया चिन्मयानंद की जांच करने को लेकर शुरू से ही इतना लचर था। अगर तो उस लड़की ने ब्लैकमेल किया था तो यकीनन उसे सजा मिलनी चाहिए, मगर आप और हम सब जानते हैं कि साल 2014 से लगातार इस तरह के वीडियो सामने उभर कर आ रहे थे, कम से कम जो अब जाके सार्वजनिक हुए हैं, जिसमें एक नंगा चिन्मयानंद लड़कियों से मसाज करवा रहा था, यानी कि अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करके यह शख्स जो है उस तरह से यौन उत्पीड़न कर रहा था। और चिन्मयानंद, अगर हम SIT की माने तो चिन्मयानंद ने कबूल किया ना अपने गुनाह को, और वो वीडियोस भी सबूत हैं। आज हम इन दोनों चीजों को बराबरी पर नहीं रख सकते कि वो लड़की ब्लैकमेल कर रही थी और चिन्मयानंद जो है यौन उत्पीड़न कर रहे थे। नहीं, आज हमारी प्राथमिकता स्पष्ट होनी चाहिए, आज हमें प्रमाणित करना चाहिए कि हम वाकई कन्याओं को पूछते हैं, हम वाकई उसे सम्मानित करते हैं। क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर को भी पार्टी से निकालने में आपको एक अरसा लग गया, दो साल लग गए आपको। लोकसभा चुनाव के दौरान आप उसे नहीं निकालना चाहते थे क्योंकि आपको डर था कि आपका वोट बैंक कट जाएगा। और यही वजह है, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कन्या पूजन की बात करती है वो सरासर ढोंग है और कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे सामने ये दो तस्वीरें हैं, कुलदीप सिंह सेंगर की और स्वामी चिन्मयानंद की। और यही नहीं दोस्तों, इस सरकार के, इस पार्टी का एक बहुत कट्टर समर्थक है जिसका नाम भक्त होता है। ये भक्त सोशल मीडिया में अपने प्रोफाइल पिक्चर्स में देवी देवताओं की तस्वीरें लगाता है, भगवान राम की तस्वीरें लगाता है, क्योंकि कल दशहरा है,
मगर बावजूद इसके महिलाओं के लिए जिस तरह के अपशब्दों का ये इस्तेमाल करते हैं, महिला पत्रकारों के लिए जिस तरह के घटिया सोच ये रखते हैं, उन महिलाओं के लिए जो आपके राजनीतिक सोच से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आप उनके लिए जिस घटिया ज़हनियत, जिस भावना से आप बोलते हैं, वो आपके कन्या पूजन के ढोंग को एक्सपोज करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने घर में तो ये दावा करें कि मैं कन्याओं की पूजन की पूजा करता हूं, मगर फिर बाहर निकल के उन लड़कियों को तुम गालियां देते हो जिनसे तुम्हारे राजनीतिक विचारधारा मेल नहीं खाते। ये एक बहुत बड़ा ढोंग है। दोस्तों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, नवमी है, कल अष्टमी थी, और अब हम दशहरा का प्रवेश कर रहे हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत। मैं उम्मीद करता हूं कि वो तमाम कुरीतियां, वो तमाम ढोंग, वो तमाम पाखंड जो हमारे अंदर है, खासकर हमारी सत्ताधारी पार्टियों में, हम उसका नाश करेंगे। यही सही मायने में राम भक्ति है। और ये मेरे जैसा हिंदू, मेरे जैसा धार्मिक व्यक्ति दिल से मानता है, हृदय से मानता है। मगर क्या हमारे सत्ताधारी लोग समझेंगे? दोस्तों, बोल के लब आजाद है तेरे में आज का दूसरा विषय है आरे कॉलोनी के कटते पेड़। और वाकई हृदय विदारक तस्वीरें उभर कर आ रही हैं आरे कॉलोनी से, मुंबई के आरे कॉलोनी से। इसकी एक झलक आप भी देखिए। सबसे हास्यास्पद बात यह है, जब शिवसेना के दिग्गज नेता, उनके सबसे बड़े नेता कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे, जब हम सत्ता में आएंगे तो आरे के हत्यारों का हम हिसाब लेंगे। जी हां, यह कहा है उद्धव ठाकरे ने। उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी मैदान में उभर कर आ रहे हैं। यही नहीं, आप ये तस्वीर देखिए, ये हैं प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की प्रवक्ता हैं। अब इन लोगों का कहना है कि साहब, ये जो जंगल कट रहे हैं, इनमें हमारा कोई हाथ नहीं है, शिवसेना का कोई हाथ नहीं है, बेशक राज्य सरकार में ये साझेदार हैं। मगर आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, केंद्र में भी तो आप साझेदार हैं ना? अगर आप बीजेपी को दोषी मानते हैं, अगर आप कहते हैं कि आरे के हत्यारों के साथ हम हिसाब करेंगे, तो आप केंद्र में उनके साथ क्यों बने हुए हैं? क्योंकि आपको अपना राजनीतिक वजूद बचाना है। लिहाजा जब इस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, जब प्रियंका चतुर्वेदी जो हैं लड़ाई कर रही हैं, एक तरह से संघर्ष कर रही हैं पुलिस वालों से, तो मुझे बहुत बेमानी लगती है ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त। केंद्र में आप उनके साथ हैं, आपने कभी उनके साथ मंत्रणाएं नहीं की, कभी आपने बातचीत नहीं की, और फिर आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर तक आप कोई पेड़ नहीं काट सकते, मगर सरकार के नुमाइंदे तुषार मेहता कह चुके हैं कि हमें जितने पेड़ काटने थे हम सब काट चुके हैं। और शिवसेना क्या कहती है, या उनकी प्रवक्ता क्या कहती हैं, कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। मैं आपको बता दूं, सत्य परेशान तो है ही, पराजित भी है, कटकर जमीन पर पड़ा हुआ है। उसकी लाश तुम देखना चाहो तो देख लो, मगर अगर शुतुरमुर्ग की तरह तुमने अपनी गर्दन को दफन कर दिया है रेत में, तो उसका समाधान मेरे पास नहीं है। वाकई बहुत हृदय विदारक तस्वीर है। मगर मैं यह भी मानता हूं कि यह सवाल विकास बनाम पर्यावरण, यह कई बार चुनौतीपूर्ण साबित होता है। मुझे आपत्ति है तो इस तरह के राजनीतिक दोहरे मापदंड पर। खैर, बोल के लब आजाद है मैं, बस इतना ही। मेरी आप सबसे एक बार फिर अपील कि अब जबकि हम दशहरा में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये कहने को तो बुराई पर अच्छाई की जीत है, मगर वो बुराई हमारे अंदर है। ये त्योहार हमें सदियों से यही पाठ देता आया है कि वो जो तथाकथित रावण है, हालांकि अब रावण के मायने भी बदल रहे हैं, रावण एक बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति था, तो सवाल रावण का नहीं है। सवाल यहां पर यह कि अगर हम इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत मानते हैं, तो सदियों से भगवान राम से लेकर आज तक हमें यही शिक्षा देता आया है कि जीत हमें अंदर की बुराइयों पर हासिल करनी है, वो बुराई जो कि दूसरे धर्म के लोगों को घृणित नजरों से देखता है। खैर,
आप सबको एक बार फिर नवमी की हार्दिक बधाई और दशहरा की भी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।